सम्यक दर्शन रत्न बहुमूल्य है, इसकी प्राप्ति होने पर कल्याण हुए बिना नहीं रहता। यदि कदाचित सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो लेकिन उसकी तथा सम्यक दृष्टि की महिमा आई तो भी बहुत लाभ होगा। सम्यक्त्व रहित बाह्य का सर्व जानपना मात्र अज्ञान है। सम्यक दर्शन होने पर आत्म साक्षात्कार होता है और सिद्ध भगवान जैसे सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार वे अनेक युक्तियों, प्रमाणों और सटीक उदाहरणों से सम्यक दर्शन का अद्भुत, चमत्कारिक महत्व सुंदर रीति से बताते हैं। अरे, उनका प्रिय और मुख्य विषय ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम तत्व की सच्ची समझ करना अनिवार्य है। आत्म तत्व की सच्ची समझ बिना दया, दान, व्रत, तप आदि सब निरर्थक है, ऐसा वे बारंबार स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं। गृहीत मिथ्यात्व पर वज्र प्रहार करके और सच्ची समझ करने की प्रेरणा देकर वे सौराष्ट्र में एक निराले धार्मिक वातावरण का सृजन करते हैं। आहा, उनकी वाणी इतनी जोरदार है कि जैसे बिजली गिरे और पर्वत के दो टुकड़े हो जाएं। ऐसी प्रभावशाली और कल्याणकारी वाणी अनेक जीवों को आकर्षित करे, ये स्वाभाविक है। वे क्या कहते हैं ये जानने के लिए अन्य साधु साध्वी भी उत्सुक रहते हैं। वीतराग धर्म पर उनकी अनन्य श्रद्धा, सारी दुनिया ना माने तो भी अपनी सत्य मान्यता पर अकेले टिके रहने की अजब दृढ़ता और अंतर के जोर सहित न्याय संगत वाणी अच्छे अच्छे नास्तिकों को सोचने के लिए बाध्य कर देती है और आस्तिक बना देती है। उनका दिव्य सिंहनाद पात्र जीवों के हृदय की गहराई में पहुंचकर उनके पौरुष को उछालता है। इस अध्यात्म शूरवीर की निर्भय, निशंक बनाने वाली गर्जना जिन्होंने साक्षात सुनी है उनके कर्णों में आज भी गूंजती है। वे युक्ति, न्याय और उदाहरणों से शास्त्रों में भरे हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और शास्त्रों के अंतरंग भावों को बाहर निकालकर अलौकिक आध्यात्मिक भावार्थ बताते हैं। इसलिए उनके दृढ़ श्रद्धान, विशाल ज्ञान, कठोर चारित्र और मधुर गुंजनमयी वाणी की सुगंध संपूर्ण जैन जगत में फैल जाती है। एक बार भी फरमाते हैं, जो कोई जीव जैसा और जितना आत्मा है वैसा और उतना ना मानकर उसे रागी या अल्पज्ञ मानता है, वो अपने आत्मा का अपमान करता है और इसलिए वो ऐसी जगह जन्म लेता है कि जहां उसे अन्य जीव भी जीव रूप में मानते नहीं। विक्रम संवत 1989 के ज्येष्ठ माह की चोटीला गांव की ये बात है। सामान्यतः कांजी स्वामी किसी साधु के साथ उपाश्रय में नहीं ठहरते क्योंकि वे किसी को भी सच्चा साधु मानते ही नहीं हैं। इसलिए चोटीला ग्राम में आगमन होने पर वे कहीं और ठहरते हैं, लेकिन बाद में उम्र और दीक्षा में उनसे वरिष्ठ ऐसे गुलाबचंद जी साधु संदेश भेजते हैं, कांजी स्वामी से कहो कि मेरे साथ ठहरें, मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए कांजी स्वामी उनके साथ उपाश्रय में ठहरते हैं और गुलाबचंद जी प्रसन्न होते हैं। फिर उनके साथ बातचीत होने पर गुलाबचंद जी कहते हैं, शास्त्र में ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ऐसा कहा है ना। श्रुत के यथार्थ रहस्य को जानने वाले कांजी स्वामी जी उत्तर देते हैं, राग रहित आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और आत्मा में लीनता ही सच्ची क्रिया है। ऐसे ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है। लो, इसका नाम ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। उसके पश्चात स्वयं ही आगे कहते हैं, शास्त्र में प्रतिमा का उल्लेख आता है। गुलाबचंद जी ने कहा, हाँ मुझे ख्याल है, मेरी सारी जिंदगी शंका में ही बीती है, परंतु यदि मैं ये बात शिष्यों से कहूं तो उनकी श्रद्धा ही उठ जाएगी। अरे अरे, अंतर में श्रद्धा कुछ रखना और बाहर में कुछ कहना। इसी वर्ष के पर्युषण से परिवर्तन करने संबंधी विचारों में विशेष दृढ़ता होती है कि अब शीघ्र ही परिवर्तन करना है। विक्रम संवत 1990 यानी सन 1934 में बड़वाण में स्वयं फरमाते हैं, इस जीव ने अनादिकाल से लेकर क्रमशः अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भावों को जाना है, परंतु अक्रम अर्थात एक साथ नहीं जाना। इसी वर्ष बरवाला के पास एक गांव में एक भाई से बातचीत होती है। कांजी स्वामी उससे प्रश्न करते हैं, धर्म ध्यान करते हो? वे भाई उत्तर देते हैं, हां। दूसरा प्रश्न, चौविहार करते हो? उत्तर, हां। फिर बात आगे चली तो कांजी स्वामी ने कहा, सोना अनंत रज कणों का पिंड है। तुरंत वे भाई पूछते हैं, महाराज
तो फिर आत्मा कितने रचकनों का पिंड है। लो, चौविहार करने पर इतनी भी खबर नहीं। एक बार कोई प्रश्न करता है, हम भव्य हैं या अभव्य? निशंकता के निधान कांजी स्वामी उत्तर देते हैं, ऐसा प्रश्न ही नहीं करना, शंका ही मत रखना कि मैं भव्य हूं या अभव्य। मैं भव्य ही हूं, ऐसा विश्वास रखना, श्रद्धा करना। इस वर्ष का चातुर्मास राजकोट के सदर उपाश्रय में होता है। संप्रदाय परिवर्तन के पूर्व यह अंतिम चातुर्मास है। इस अवसर पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से संवत 1991 के कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक परम अध्यात्म परमागम श्री समय सार की गाथा 1 से 99 पर सभा में प्रवचन करते हैं। प्रतिदिन एक बार के इन प्रवचनों में एक बार फरमाते हैं, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। पूर्णता अर्थात मोक्ष पर्याय साध्य दशा। स्वयं के अति ही गहन चिंतन से निकला ये सूत्र मुमुक्षुओं के लिए दिशा बोध के समान है और शुरुआत किस प्रकार करना इसकी सूचना देता है। ऐसे अनेक मंत्रों द्वारा उन्होंने गांव-गांव में अनेक सुपात्र जीवों के हृदय में सत के बीज बोए हैं और आत्म आराधनामय मार्ग का बहुत प्रचार प्रसार किया है। उनका ये कार्य संप्रदाय के अनेक श्रावक और साधुओं को विचार में डाल देते हैं। राजकोट में इसी दौरान षटखंडागम शास्त्र जो कि छपाया जा रहा था, उसके 8 पेज उनके पास आते हैं और इस परमागम का दर्शन जीवन में प्रथम बार होता है। यहाँ एक भाई मरणासन्न स्थिति में थे, इसलिए कांजी स्वामी उन्हें दर्शन देने के लिए पधारते हैं। वे भाई कहते हैं, मांगलिक सुनाइए। कांजी स्वामी मांगलिक सुनाते हैं। मांगलिक सुनकर वे कहते हैं, आपने क्या कहा वो समझाइए। कांजी स्वामी अत्यंत प्रेम से मिठास पूर्वक कहते हैं, अरहंत सिद्ध आदि का शरण लेना सच्ची शरण नहीं है, उनके द्वारा कहे गए धर्म अर्थात आत्मा की शरण लेना यही सच्ची शरण है। ये बात सुनकर वे भाई अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कल्याणकारी मंगलमय सत्य बात सुनने पर किसे हर्ष नहीं होगा। इस प्रकार हमने देखा कि विक्रम संवत 1970 से 1990 अर्थात सन 1914 से 1935 तक 21 वर्ष की लंबी अवधि में कांजी स्वामी स्थानकवासी साधु के रूप में बोटाद, बड़वान, अमरेली, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट आदि सौराष्ट्र के अनेक प्रमुख शहरों में चातुर्मास करते हैं तथा अन्य समय में छोटे बड़े हजारों गांव में विहार करके उन्हें अपनी वाणी रूपी गंगा से पावन करते हैं। इन 21 वर्षों में वे सौराष्ट्र के प्राय प्रत्येक स्थानकवासी जैन के हृदय में बस चुके हैं। उनके पीछे सारा सौराष्ट्र पागल हुआ है। जिस गांव में उनका चातुर्मास हो वहां अन्य गांवों के हजारों जिज्ञासु उनके दर्शन करने तथा प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। उनकी वाणी का जादू हजारों लोगों पर छा जाता है तथा उनके कल्याणकारी तलस्पर्शी प्रवचन उत्कृष्ट तत्व ज्ञान तथा आदर्श जीवन के प्रति बहुमान प्रकटता है। उनके प्रताप से शारीरिक क्रियाकांड में फंसा हुआ अध्यात्म मार्ग पुनः प्रकाशमान होता है। बचपन से ही उनका जीवन वैरागी चिंतनमय प्रतिभाशाली और साध्य लक्षी है। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेकर स्थानकवासी साधु की दीक्षा ग्रहण कर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं तो भी शास्त्र अभ्यास और गंभीर चिंतन मनन से इस सत्य की शोध कर लेते हैं कि ये भव भ्रमण के नाश का सच्चा उपाय नहीं है, सच्चा मार्ग कोई और ही है। शरीर या राग के क्रियाकांड में मोक्ष मार्ग नहीं है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो स्वानुभूतिमय है। स्वानुभूति में ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है, फिर उसकी वृद्धि होने पर श्रावकपना और विशेष वृद्धि होने पर मुनिपना होता है। ये मूल मार्ग है, तो भी संप्रदाय में इससे विपरीत दिशा में ही प्रयत्न करने की प्ररूपणा की जाती है, ऐसा उन्हें अंतर में महसूस होता है। असाधारण प्रतिष्ठा प्रतिभा के धनी ये महापुरुष 2 दशक जैसे लंबे काल तक स्थानकवासी संप्रदाय के में रहते हैं। इस दौरान उत्तम साधु के रूप में उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है। संप्रदाय के साधुओं में उनका नाम सबसे आगे है। सामान्य रूप से व्यापार धंधे से निवृत्त होने वाले वृद्ध लोग ही धर्म करें ऐसी धारणा लोगों में व्याप्त है, परंतु कांजी स्वामी जिस गांव में पधारते हैं वहां उनकी अद्भुत न्याय संगत
अध्यात्म अमृतवाणी सुनने के लिए बुजुर्ग, युवक, शिक्षित, डॉक्टर, वकील तथा अनेक शास्त्र अभ्यासी उमड़ पड़ते हैं। उनकी अंतरखुमारी देखकर हजारों लोग चकित हो जाते हैं तथा जैसे मुरली की ध्वनि सुनकर सर्प डोलने लगता है, वैसे मंत्रमुग्ध होकर उनके प्रवचनों में डोलने लगते हैं। जिस भी शहर या गांव में वे पधारते हैं, वहां घर घर में धर्म की चर्चा होने लगती है। सारे गांव का वातावरण धर्ममय हो जाता है। अरे, जिज्ञासु जीव तो रास्ते में भी धर्म की अर्थात आत्महित की चर्चा करते हैं। अन्य दिनों में सूना पड़ा हुआ उपाश्रय इन दिनों सुबह, दोपहर और शाम ऐसे प्राय सारे दिन धर्म चर्चा से गूंज उठता है। उनकी तत्व ज्ञान पूर्ण वाणी सुनने से कितने ही सुपात्र वैरागी जीवों का मन व्यापार आदि बाह्य प्रवृत्ति में लगता नहीं है। अतः वे उनकी शीतल छाया में रहकर धर्म लाभ लेते हैं। उनके प्रवचन में आगे बैठने की जगह मिले और ठीक से सुनने में आए, इसलिए बहुत से लोग प्रवचन प्रारंभ होने के घंटे डेढ़ घंटे पहले से ही आकर बैठ जाते हैं। प्रवचन के समय उपाश्रय तो पूर्ण भर ही जाता है, गलियों में भी लोग समाते नहीं हैं। जिस गांव में प्रवचन होता है उसके आसपास के गांवों के जिज्ञासु भी उमड़ पड़ते हैं। इसलिए बड़े शहरों में उनका व्याख्यान बहुत बार विशाल जगह में रखा जाता है। कोई अति जिज्ञासु उनके प्रवचन के मुख्य बिंदु लिख भी लेते हैं। इस प्रकार सहज रूप से अनुमान होता है कि उनका स्थान कैसा अद्वितीय है। एक ओर ऐसी स्थिति है तो दूसरी ओर समय सार आदि दिगंबर शास्त्रों के गहन अवगाहन से उनके अंतर आत्मा में वास्तविक सत्य मार्ग तो स्वानुभूत प्रधान परम वीत राग सनातन दिगंबर धर्म ही है, ऐसा बहुत समय से लगता है और ऐसी प्रतीति भी अंतरंग में हो गई है। समय सार में कहा हुआ वस्तु स्वरूप और दिगंबर निर्ग्रंथ मार्ग ही सत्य भाषित होता है। फिर भी बाहर में वेश स्थानक वासी साधु का है और उनके आचरण स्वीकारे हैं। ये विषम परिस्थिति उन्हें असहनीय लगती है, खटकती है और संप्रदाय का भय वेश सत्य मार्ग की प्रभावना में बाधक लगता है। ऐसी परिस्थिति अब अधिक समय सहन हो सकती नहीं है। अंततः बहुत विचारणा और मंथन के बाद दृढ़ निश्चय के साथ विक्रम संवत 1990 यानी सन 1934 में 45 वर्ष की उम्र में घोषणा करते हैं कि अब मैं संप्रदाय में रहने वाला नहीं हूं। सत्य की प्राप्ति के लिए अंदर से जिसका वीर्य उछल रहा है उसे कौन रोक सकता है? धन्य है उनकी शूर वीरता को। जो स्वरूप के साधक हैं, जिन्हें पूर्णता प्राप्त करनी है, पूर्ण वीत राग होने की अभिलाषा है, वे समाज या संप्रदाय के बंधन में कैसे रह सकते हैं? जो महात्मा किसी प्रकार की आशा रखे बिना मुक्त रूप से निरपेक्ष रूप से विचरते हैं, वे किसी भी प्रकार के प्रतिबंध में कैसे बंधे? और यदि वे बंधन में रहें तो सिंह को बाड़े में बांधना जैसा हो, लेकिन वो तो अशक्य है। इस प्रकार संप्रदाय में आदर सम्मान, ख्याति, कीर्ति, उच्चासन आदि सब कुछ प्राप्त करने पर भी कांजी स्वामी परम निष्प्रहता से सत्य के लिए संप्रदाय को तिलांजलि देने को तैयार होते हैं और उसके लिए योग्य स्थान की विचारणा करने लगते हैं। संप्रदाय छोड़ने के निर्णय से संप्रदाय के लोगों में बड़ी खलबलाहट मच जाती है। जो स्थानकवासी संप्रदाय कांजी स्वामी का नाम गौरव से लेता है, उसमें इस निर्णय से भारी आंदोलन हो वो स्वाभाविक है। संप्रदाय का सूत्रधार, महारथी, कोहिनूर हीरा, मुख्य आधार संप्रदाय छोड़ने की बात करे वो कैसे सहन हो? चारों तरफ लोगों के हृदय में विरोध जाग उठता है। संप्रदाय के मताग्रही बाल जीव अज्ञान की वजह से निंदा की झड़ी लगा देते हैं और चारों तरफ अनेक प्रकार के विरोध का झंझावात उठता है। विरोधी कहते हैं, देखें तो जरा कांजी स्वामी कैसे परिवर्तन करते हैं। दूसरी ओर जिसे उनकी न्याय संगत बात बैठ गई है, जिनके हृदय में वे अग्र स्थान पर विराजते हैं और जो उनके पीछे पागल हैं, ऐसे भक्तों को उनके प्रति अपार श्रद्धा है। वे तथा सरल स्वभाव के मध्यस्थ लोग ऐसा सोचते हैं, कांजी स्वामी संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। वे जो भी करेंगे वो सोच समझ कर ही करेंगे, वो उचित होगा तो ही करते होंगे। फिर भी ये तो सारे संप्रदाय छोड़ने की बात है ना, इसलिए खलबलाहट तो होती ही है। तो भी वे अपने निर्णय में मेरू के समान अडिग रहते हैं। विरोध करने वालों के प्रति भी वे अपने मन में संभाव रखते हैं। सभी जीवों के प्रति करुणा भाव धारण करके वे अपने मन को अविचलित रखते हैं।